हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जियाउद्दीन बरनी को। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ, एक बार देख लेते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ, गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी। यस, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, सो आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग करेंगे आज की क्लास में जियाउद्दीन बरनी को। ठीक है, तो जियाउद्दीन बरनी एक बार सभी बच्चे आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हम इनको। ठीक है, मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आप लोगों को आज की क्लासेस का जो है पूरा एक टाइम टेबल दे दिया था कि आज जो क्लासेस हैं वो कब कब हैं। आज शाम को 9 PM आप लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना? 9 PM आप लोगों के लिए आज सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या है। ठीक है, वो आज शाम को ही आपको मिल जाएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब एक तरह से आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और मजा भी आएगा, देख लेना। ठीक है, एक्साइटेड हो? वो तो 9 PM ही मिलेगा। गुड आफ्टरनून, बहुत एक्साइटेड है मैम। चलो, अच्छी बात है। हाँ, वो बिल्कुल सस्पेंस जो है ना आप लोगों का, वो नाइट में ही ओपन होगा और मैं कुछ नहीं बताने वाली। ठीक है, मैं कुछ भी बताने नहीं वाली हूँ आप लोगों को। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 मिनट रुकना बस, अभी जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जियाउद्दीन बरनी कंप्लीट करा दूंगी और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से हो जाएंगी। दो मिनट रुकेंगे बस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, वेट करोगे? ठीक है। सो आप लोगों की ना आज पता है ना आप लोगों को क्लासेस कब कब हैं? आज आप लोगों की जो क्लासेस हैं तो 1 PM हो जाएगी, जियाउद्दीन बरनी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो होगी 4 PM। 4 PM मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड MCQs करा रही हूँ अभी, आपको पता ही है ना? तो वो 4 PM हम एक्सपेक्टेड MCQs करेंगे। फिर रात में 9 बजे मिलेंगे, रात में 9 बजे होगा आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक सरप्राइज, तो वो सरप्राइज हम नाइट में ही डिस्कस करेंगे। तो दो मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो 4 PM जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ, तो 4 PM हम लोग जो कर रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड MCQs। तो एक्सपेक्टेड MCQs ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अभी लोडिंग ही कर रहा है, पता नहीं आज क्या दिक्कत हो रही है, नेटवर्क है, पता नहीं क्या है। मैं लिंक भी कर रही थी जनरेट, वो भी नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हो, ये बिग सरप्राइज फॉर ऑल, टुडेज 9 PM ऑन यूट्यूब चैनल जयदेव क्लासेस फॉर JRF। तो आप लोगों के लिए आज काफी अच्छा सरप्राइज है जो आप लोगों को रात में 9 बजे मिलेगा। ठीक है, नहीं इतना भद्दा नहीं है। मतलब अब आप, मतलब जैसे आप लोग सोच रहे हो ना कि टेस्ट टेस्ट मैम टेस्ट लेंगी पक्का, है ना? मैम टेस्ट लेंगी, मैम को और तो मतलब सरप्राइज देने आते नहीं है, अब मैम टेस्ट ही लेंगी। नहीं, टेस्ट नहीं है, अब मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, वरना सारा जो सरप्राइज है वो मैं अभी बता दूंगी आप लोगों को कि क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो अभी नहीं बताऊंगी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, प्राइज अवार्ड ये जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। ठीक है, तो ये शाम को ही मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को बताऊंगी क्या है। और ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को वो सरप्राइज शाम में आप लोगों को मिलेगा। ठीक
ठीक है चलो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। आपको पता है ना मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, जियाउद्दीन बरनी पढ़ाने वाली हूँ। और 4 बजे आप लोगों की डेली लाइव आती हूँ मैं 4 बजे, और मैं आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो 150 टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के लिए करा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, ठीक है, तो हिंट नहीं दूंगी ऐसे ऐसे नहीं करना है कि हिंट तो दो मैम, हिंट तो दो, क्या होगा, ठीक है, फिर तो सरप्राइज सरप्राइज रहेगा ही नहीं, सरप्राइज सरप्राइज रहेगा ही नहीं अगर मैं हिंट दे दूंगी तो। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आप लोगों को वेट करना है रात में 9 PM का, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जियाउद्दीन बरनी को। तो जो जियाउद्दीन बरनी है उनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पार्टी देंगी आपको गाइज। अच्छा चलो अब कोई बात नहीं, अब आप लोग ना ज्यादा ज्यादा मत सोचो आप ज्यादा सोचोगे तो फिर बेफालतू में आप परेशान होगे। ज्यादा नहीं सोचना है, रात में 9 PM का वेट करना है। और रात में 9 PM जैसे ही मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगी ना, आप लोग फटाफट से आ जाना, ठीक है, आप लोगों को फटाफट से आ जाना है, ठीक है। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जियाउद्दीन बरनी से रिलेटेड जो आप लोगों को क्या क्या चीजें याद आती हैं, तो वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिल्कुल जैसे मैंने कौटिल्य पढ़ाए थे आपको, और कौटिल्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हमने लिखी थी ना, वैसे ही हम जियाउद्दीन बरनी के बारे में भी लिखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप 8 बजे आ जाओगे, चलो ठीक है नहीं 9 PM ही लाइव आऊंगी तो 9 PM ही आना, ठीक है। 8 बजे भी मतलब इतनी जल्दी आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं बेटा देखो ये चीजें भी मेरे को सुनने में आई हैं। मैं आप देखो सोनम चौहान ने बोला है कि शायद अनअकैडमी पर मैम रिटर्न करेंगी। बेटा क्या हो रहा है देखो, कुछ बच्चे मतलब ऐसे बच्चे हैं कुछ जिनको अभी भी मतलब क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ आप लोगों के साथ भी, ये चीज इंपॉर्टेंट है शेयर करना, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ वैसे आपको बताने वाली थी बट मेरे माइंड से निकल गया था, ये मेरे को सुनने में ये आया है कि ना मतलब बच्चे जो हैं, बच्चों के पास कॉल आया है जिन बच्चों ने मतलब सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे थे जो बच्चे, और सब्सक्रिप्शन आगे भी बढ़ाने वाले थे, तो उन बच्चों के पास कॉल आ रहा है और फिर वो कह रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि मीनाक्षी मैम नहीं है तो फिर सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे हम लेकर, है ना। तो यहाँ पर जो अनअकैडमी से ये भी आ रहा है कि मतलब सुनने में ये आया है, बच्चों बच्चे ये कह रहे हैं कि अनअकैडमी वाले कह रहे हैं कि मैम 2 महीने में वापस आ जाएंगी, रिटर्न आ जाएंगी, ठीक है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिटर्न नहीं जाने वाली हूँ, मेरी बात समझ आ रही है, मैं रिटर्न नहीं जाऊंगी। तो ये ध्यान रखना, जिन बच्चों को भी बार बार इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं या फिर जो भी चीजें हैं वहां पर बोल रहे हैं कि मैम 2 महीने में वापस आ जाएंगी, 2 महीने में वो फिर से ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग लेना सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप अपने उससे लेना, मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को यहीं पे करवाने वाली हूँ, यहाँ पर ही करवाऊंगी आप लोगों को। और जिन बच्चों को जो बोल रहे हैं प्लीज बिल्कुल विश्वास मत करना क्योंकि मैं नहीं जाने वाली हूँ रिटर्न, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है चलो स्टार्ट करें आज की क्लास में हम लोग जियाउद्दीन बरनी को, ठीक है। तो जियाउद्दीन बरनी की जब हम बात करते हैं तो जियाउद्दीन बरनी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है। जियाउद्दीन बरनी से जो रिलेटेड चीजें आती हैं आप लोगों की, तो वो क्या क्या आती हैं मैम, मेरे पास भी आया था कॉल, मैंने पूछा मैम ही कहते वो हमारे साथ हैं ही, मंडे को आया था कॉल में भी। अच्छा ठीक है, मैं यस मैम बोल रहे थे कि यस कराएंगी तब, हाँ हाँ बेटा पता, मैं भूल गई थी, मुझे कल ही सुनने में आया था, कल ही ना कल मेरे से मेरी बात हुई है तो तब मुझे सुनने में आई थी ये चीज कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम वापस आएंगी, ठीक है। नहीं बेटा अब नहीं, अब नहीं, चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम जियाउद्दीन बरनी की बात करते हैं तो जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी के लिए किस किस से जाना जाता है, तारीख फिरोजशाही, आप लोगों को पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है तारीख फिरोजशाही, कितनी इंपॉर्टेंट है ना तारीख फिरोजशाही है, और बताओ। चलो हाँ चलो अब जल्दी से बताएंगे, जियाउद्दीन बरनी जो है बेसिकली इनको
किन किन चीजों से जाना जाता है, जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया एवरीवन। जियाउद्दीन बरनी को तारीख के फिरोजशाही के लिए जाना जाता है, और इन्होंने क्या बोला था ये बेसिकली अगर हम देखें तो जियाउद्दीन बरनी जो है हमारे, तो वो किस पर बोलते हैं, तारीख के फिरोजशाही इन्होंने लिखा था, है ना। और इनकी खूब सारी बुक्स भी हैं, जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जियाउद्दीन बरनी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जियाउद्दीन बरनी जो है इनका काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं ये, और एक कुलीन परिवार में इनका जन्म होता है 1285 और 86 भी माना जाता है, ठीक है। काफी बुक्स में आप लोग देखोगे 85 86 लिखा होता है, तो आप लोग 85 या 86 कंसीडर कर सकते हो। 85 86 मतलब ईयर पर ईयर तो कभी मतलब पूछा नहीं जाता है वैसे इनसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इनसे अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, तारीख ए फिरोजशाही के लिए इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोजशाही कब की इनकी, 1356 से लेकर 1357, ये तारीख़े फिरोजशाही का ईयर है। और जो इनका टाइम पीरियड रहा है वो इनका जन्म का, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, जन्म जन्म मत लिखना अभी, मैं आप लोगों को मृत्यु और जन्म दोनों लिखवाऊंगी, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी अगर आप देखो तो क्या ये फतवाए जहांदारी के लिए भी जाने जाते हैं, तो यस, है ना, ये फतवाए जहांदारी के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये क्या है, ये इसके अंदर पॉलिटिकल थॉट दिए इन्होंने, तो ये चीज ध्यान रखना सारे बच्चे कि इसमें ये क्या बताते हैं बेटा, इसमें इन्होंने राजनीतिक चिंतन दिया है, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने, तो इसमें वो राजनीतिक चिंतन को बताते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या इन्होंने आइडल किंग पर भी बात की थी, ये आइडल किंग पर बात करते हैं कि आइडल किंग कैसा होना चाहिए, क्या उसे काम करने चाहिए, बिल्कुल भाई, आदर्श शासक पर इन्होंने बोला है, है ना, ये आदर्श शासक पर बोलते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम देखें तो जो शरीयत है, शरीयत हो गया, कुरान हो गया, कुरान शरीफ हो गई, तो ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बताते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। एक वर्ड आता है बेटा, वो वर्ड है बादशाही, ठीक है। बादशाही वर्ड का मतलब लिख लेना, इसका मतलब होता है प्रभुत्व, ठीक है, बादशाही यानी कि डोमिनेंस, इस वर्ड को ये बोलते हैं, इस वर्ड के लिए बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या ये एरिस्टोटल की तरह ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग पैदा ही शासन करने के लिए और कुछ लोग पैदा ही शासित होने के लिए होते हैं, तो यस, ये भी इन्होंने बोला था, किसने, जियाउद्दीन बरनी ने। मेरी बात समझ आ रही है सबको, चलो अब हम चलते हैं आगे, और जियाउद्दीन बरनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने वाली हूँ। तो जो जियाउद्दीन बरनी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जियाउद्दीन बरनी का जब हम टाइम पीरियड देखते हैं तो जियाउद्दीन बरनी जो थे बेसिकली वो आपका, इनका जो टाइम पीरियड रहा था जियाउद्दीन बरनी का, वो 1285 से लेकर 1357 CE तक रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो ये हमारे जियाउद्दीन बरनी है ना, तो इनका ये जो थे एक मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे। कौन थे ये मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर, दिल्ली सल्तनत के, जो प्रेजेंट डे में नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। और ये किसके टाइम पर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह रीजन के टाइम पर इनका टाइम पीरियड रहा था, तो ये ध्यान रखना। जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासन काल के दौरान उत्तर भारत के वर्तमान भारत में स्थित जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसके मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे ये। कौन, जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी अगर आप देखो तो इनको जो जाना जाता है, तो इन्होंने कंपोज किया था तारीख-ए-फिरोजशाही के लिए जाना जाता है। अब तारीख-ए-फिरोजशाही में इन्होंने क्या किया था बेटा, तारीख-ए-फिरोजशाही इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इनका काम है हम बोल सकते हैं, और एक वर्क है ये, किस पर, मेडिवल इंडिया पर। ये मेडिवल इंडिया पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये कवर क्या करता है बेटा, इसने ना जो तारीख फिरोजशाही जो बुक है ना, इसके अंदर गियास उद्दीन बलबन से लेकर 6 सालों तक का पूरा
ठीक है, पीरियड इसके अंदर कवर किया गया है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि तारीख़े फिरोजशाही जो उनकी रचना है उसके अंदर फिरोज शाह तुगलक और फतवा जहादारी के शासनकाल के 6 वर्षों में गियास उद्दीन बलबन के शासनकाल से लेकर मुस्लिम समुदायों की भी जो रेशियल हिरार्की थी, है ना, तो उस पूरा उन चीजों को कैसे बढ़ावा दिया गया, नस्लीय पदानुक्रम को कैसे बढ़ावा दिया गया, उन सब चीजों का वर्णन तारीख़े फिरोजशाही में मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो तारीख़े फिरोजशाही अगर आप देखोगे तो ये तारीख़े फिरोजशाही मध्यकालीन भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है और इसके अंदर 6 सालों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो फतवा जहांदारी के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने जो फिरोज शाह तुगलक का जो शासन उन्होंने किया था, तो उसके 6 सालों का पूरा वर्णन इस बुक में मिलता है। और साथ ही साथ मुस्लिम समुदायों में कैसे नस्लीय पदानुक्रम को बढ़ावा दिया गया उसका भी वर्णन इस बुक में किया गया है। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, यस। इसके बाद अगर आप देखो तो बर्नी का जन्म कहां पर हुआ था? एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। बर्नी बेटा, बर्नी का जो जन्म होता है वो मुस्लिम फैमिली में, आप 1285 और 86 दोनों कर सकते हो क्योंकि दोनों ही बुक्स में है। तो बर्नी का जन्म मुस्लिम फैमिली में 1285-86 में हुआ था और इनके जो फादर थे, अंकल थे, ग्रैंडफादर थे, ये सारे के सारे कौन थे? ये वर्क करते थे हाई गवर्नमेंट पोस्ट पर। ठीक है, ये सब हाई गवर्नमेंट पोस्ट पर थे सल्तनत ऑफ दिल्ली में। उनकी फैमिली जो थी वो नेटिव थी मेरठ एंड बुलंदशहर। अभी आप लोग देखोगे मेरठ और बुलंदशहर के मूल निवासी थे। इनका जो परिवार था वो कहाँ का मूल निवासी था? मेरठ और बुलंदशहर का, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें, जो ये कुलीन परिवार में जन्म हुआ था इनका, है ना, उस समय गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल था। बर्नी के पिता अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अभी मैं आप लोगों को इनके सारे जो इन किस किस पोस्ट पर थे वो सब डिस्क्राइब कर देती हूँ। इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे हुसामुद्दीन, ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे गियासुद्दीन बलबन के टाइम पर। इनके जो फादर थे मुलवइन उल मुल्क, है ना, मुयद उल मुल्क जो थे, तो वो फिरो जो अरकाली खान है, ठीक है, अरकाली खान सन ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खलजी जो इनके अंकल हैं, काजी अल मुल्क, है ना, वो कोतवाल थे। कोतवाल का मतलब क्या होता है? पुलिस होता है। ठीक है, पुलिस। तो दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के ये लोग दिल्ली के कोतवाल थे। ठीक है, तो इनके नाना कौन थे? इनके नाना हसामुद्दीन गियासुद्दीन बलबन के एक अधिकारी थे। पिता कौन थे? पिता मुयद्दन उल मुल्क ने जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी और जो चाचा काजी उल मुल्क के नायाब पर नियुक्ति की गई थी इनकी, है ना, इनके पिता की। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान दिल्ली के कोतवाल थे। कोतवाल मतलब होता है पुलिस। उसके बाद अगर हम देखें तो बर्नी जो थे, क्या बर्नी ने बर्नी भी किसी पोस्ट पर थे क्या? नहीं बेटा, बर्नी ने कभी कोई पोस्ट नहीं संभाली। जैसे होता है ना कि इनके हमने इनके ग्रांड मैटरनल ग्रांड फादर के बारे में बात की, इनके फादर के बारे में बात की और इनसे हमें पता चला कि हाँ चीज़ें ऐसे ऐसे थी, लेकिन क्या कभी बर्नी ने भी किसी पोस्ट पर काम किया क्या? नहीं, कभी भी नहीं। वो क्या थे? नदीम। नदीम पता है क्या होता है? नदीम मतलब होता है कंपेनियन, जैसे कि साथी, साथी होता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के आप बोल सकते हो एक साथी थे 17 ईयर्स तक, नदीम थे। और इस पीरियड में इन्होंने बहुत ही ज्यादा ये क्लोज थे अमीर खुसरो के। आप लोगों ने अमीर खुसरो का नाम तो सुना ही होगा। तो अमीर खुसरो के ये बहुत ज्यादा करीब थे और तुगलक वॉज डिस्पोज ही फेल आउट ऑफ फेवर, लेकिन तुगलक के मृत्यु उपरांत, तुगलक के पदच्युत होने के बाद, पदच्युत का मतलब होता है जब कोई पद से हट जाता है, ठीक है, तो इस वह इस एहसास से बाहर हो गए थे, वो इस एहसान से बिल्कुल बाहर हो गए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे काफी लोगों के उससे, फिरोज शाह जो हमारे फिरोज शाह थे ना, तो ये तो एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक तो उन्हें काफी इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन क्या फिरोज शाह ने भी उनको इंपॉर्टेंस दी थी? तो नहीं, उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी उन्हें, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद ही एक्साइल द टू पीसेज डीलिंग विद द गवर्नमेंट। तो उन्होंने जब वो हट गए वहाँ से, तो उन्होंने 2 पीसेज लिखे गवर्नमेंट रिलीजन एंड हिस्ट्री पर, और होप की, है ना, कि हाँ भाई फिरोज शाह तुगलक जो है वो बेसिकली एक तरह से उन्हें देखेगा, उन कामों को देखेगा। उन्हें बहुत, मतलब उसे आशा थी कि, उसे बहुत उम्मीद थी जब हमारे बर्नी को कि नए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से उन्हें मिलवाया जाएगा एक दिन। और उन्हें कामों के लिए भी पुरस्कृत नहीं किया गया था। पता है, मैं आपको बताती हूँ क्या था। देखो, जो मैंने आपको बुक बताई तारीख़े फिरोजशाही, तारीख़े फिरोजशाही के बारे में बताया ना मैंने आपको,
फिरोजशाही वो पता उन्होंने कब लिखी थी, जब इनके जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के बाद जब इस एहसान से वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है, जब वो बिल्कुल उन्हें अपने मतलब वहां से भी बिल्कुल हटा दिया जाता है, आम लोगों की तरह उन्हें जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, उन पर भी षड्यंत्र रचा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई भी बड़ा आदमी है तो वही चीज है, उसको कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे, तो वही चीज है ना, उस पर भी षड्यंत्र रचा रह जाएगा। तो षड्यंत्र रचाकर उसे हटा दिया जाता है, और हटा दिया गया, उसे निकाल दिया गया, तो उसकी जो उनको जेल भेज दिया गया, तो जेल भेज दिया जाता है। तो जेल में उनके मतलब काफी मतलब एक अच्छे रिलेशन भी थे एक दोस्त से, तो उनकी मदद से वो बाहर आ जाते हैं। और लेकिन उनकी कभी भी जो उनके पास प्रॉपर्टी थी ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक की मदद से उन्होंने अर्जित की थी, वो उन्हें कभी वापस नहीं दी गई। तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी लाइफ थी ना बेटा, वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में और बहुत ज्यादा गरीबी में और बहुत ही दयनीय स्थिति में मतलब की थी। मतलब ये भी बोला जाता है कि कभी कभी तो वो इतने परेशान हो जाते थे। अब वही चीज है, देखो सोचो, आप खुद सोचो कि एक स्टार्टिंग में आपका जो जो आपका परवरिश हुई है, आपकी सारी चीजें हुई हैं, तो वो बहुत अच्छे उसमें हुई है ना, काफी अच्छे उसमें आपकी परवरिश हुई है ना। लेकिन अब बाद में अगर आपको गरीबी का वो करना पड़ जाए, गरीबी में रहना पड़ जाए, तो क्या आप रहोगे? बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग से जिस कंडीशन में रहता है, तो वो तो उस प्रॉब्लम उस कंडीशन को कर लेता है जैसे भी तैसे। लेकिन एक अमीर जो है, वो बहुत ज्यादा जिसकी इतना मतलब इतना स्टार्टिंग से ही इतने अच्छे घर में पला बड़ा वो है ना, और आप लोगों को पता है उनके मम्मी पापा के भी काफी अच्छे रिलेशन थे, और उनकी प्रॉपर्टी थी उनके पास, तो मतलब ये चीजें जो थी, तो यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि एक बार वो क्या करते, अपनी मतलब अपने कपड़े फाड़ लेते, अपनी जो दाढ़ी थी ना वो नोचने लगते, ऐसे ऐसे करके नोचने लगते, और फिर ना यहाँ पर वो अल्लाह ताला से बोलते कि अल्लाह ताला मुझे ले अपने पास बुला ले, ठीक है, अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला ले। मतलब इस तरीके से उनकी हालत बहुत दयनीय स्थिति में हो गई थी लास्ट में। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर उन्होंने ना लास्ट टाइम में मतलब उनको एक होप थी, एक होता है ना कि हाँ भैया होप होती है, आशा होती है लास्ट में, ठीक है, तो एक होप थी उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तारीख़ फिरोजशाही लिखा। तारीख़ फिरोजशाही में क्या है, फिरोजशाह का इतिहास है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि तारीख़ फिरोजशाही क्या है, तो आप सीधा आंसर करना हिस्ट्री ऑफ फिरोजशाही, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, इनमें 6 सालों का वर्णन किया गया है उनके शासनकाल का, और साथ ही साथ इसके अंदर फिरोजशाह का इतिहास का वर्णन है कि कौन कौन से युद्ध उन्होंने जीते, ठीक है, कितने बहादुर थे वो, और ये सब चीज़ें उसके अंदर है। तो यहाँ पर क्या था, उन्हें पता, एक होप थी, एक आशा थी कि किसी ना किसी दिन ये जो बुक है मेरी, वो ले जाई जाएगी फिरोज शाह के पास। लेकिन जब वो बुक को पढ़ेंगे, सुनेंगे कि उनके बारे में क्या क्या लिखा गया, तो वो पक्का मुझे रिवॉर्ड देंगे। लेकिन बेटा कभी भी ना, जो बड़े बड़े लोग थे ना, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, मंत्री मंत्री है ना, तो इनके जालसाज की वजह से, इनके षड्यंत्रों की वजह से कभी भी मतलब ये जो फिरोज शाह थे, वो कभी भी इस बुक को देख ही नहीं पाए, और कभी भी वो फिर वो रिवॉर्ड दे ही नहीं पाए। तो इसी वजह से ना इनका इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा डेडली मतलब इनकी जो डेड पुअर इन 1357, ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हो गई, 1357 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी बात समझ आ रही है सबको? आई होप मेरी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ एक बार यस करके बताइए सारे बच्चे, समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी दोनों संवाद शैली में लिखी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैकियावेली के साथ भी ऐसा हुआ था ना मैम? हाँ बिल्कुल हुआ था। तारीख के फिरोजशाही में पॉलिटिकल विचार और आदर्श शासक मोहम्मद गजनी के बारे में लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मैंने अब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, क्योंकि देखो मैं कमेंट्स बार बार नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरे को ध्यान आप लोगों को पढ़ाने में देना पड़ता है इस वजह से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो लगभग 17 साल तक ये सब चीजें मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाने वाली हूँ। चलो आगे करते हैं हम लोग, अब डिस्कस करते हैं फतवाए जहांदारी। अब मानोगे नहीं, फतवाए जहांदारी इसी पीडीएफ से बिल्कुल एज इट इज सेम एनटीए यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। तो मेरी जो पीडीएफ होती है, मेरी पीडीएफ से बिल्कुल एकदम चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल एकदम सेम आ जाती हैं, ठीक है, चीजें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम आती है। ये वाली जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ आप लोगों को क्या करनी है, ये पीडीएफ ऐसी आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसी तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को नहीं दी जाएगी इस वजह से, ठीक है।
ये वाली पीडीएफ नहीं मिल पाएगी आपको, तो फतवा ए जानदारी डिस्कस कर लेते हैं। फतवा ए जानदारी इज वर्क इज कंटेनिंग द पॉलिटिकल आइडियाज टू बी परस्यूडेड बाय मुस्लिम रूलर टू अर्न रिलीजियस मैरिट एंड द ग्रेटिट्यूड ऑफ इस सब्जेक्ट। तो फतवा ए जानदारी बेटा एक ऐसा काम है जिसमें मुस्लिम शासकों द्वारा धार्मिक योग्यता और विषयों की कृतज्ञता अर्जित करने के लिए राजनीतिक आदर्शों का पालन किया जाता है। तो फतवा ए जानदारी में क्या है, फतवा ए जहांदारी के अंदर अगर आप देखोगे तो मुस्लिम शासकों द्वारा धार्मिक योग्यता और विषयों की कृतज्ञता को अर्जित करने के लिए जो चीजें लिखी गई हैं तो वो बेसिकली यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आप लोगों को इतना तो याद रखना ही रखना है कि फतवा ए जहांदारी में राजनीतिक चिंतन है और ये साथ ही साथ आदर्श शासक का भी बताते हैं। अब देखो फतवा ए जहांदारी जो है, फतवा जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर दो प्रकार के मुस्लिम्स के बारे में बात की गई है कि दो प्रकार के मुस्लिम्स होते हैं, नहीं तीन प्रकार के, अशरफ अशरफ हो गए, अजलफ हो गए, और देखो एक हो गए अशरफ, रुको, हिज फतवा विच वुड कंडोन सेग्रेशन फ्रॉम मुस्लिम अशरफ अपर क्लासेस, अजलफ लोअर क्लासेस एंड अजरल। ठीक है, तीन तीन तरीके के लोगों, तीन तरीके के वर्गों का वर्णन है इस बुक में। तो यहाँ पर तीन प्रकार के क्लासेस के बारे में बताया गया है, जो अशरफ क्लास होती थी वो अपर क्लास होती थी, अजलफ जो क्लास होती थी वो लोअर क्लास होती थी, और जो अजरल होती थी वो अंडर क्लास होती थी। यानी कि ये जो थे कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, हु आर रिगार्डेड रिचुअली पॉल्यूटेड बाय अशरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या माने जाते थे, जो अजरल थे आप लोगों के, वो अंडर क्लास थी, है ना, या फिर आप इन्हें कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जिन्हें अशरफ द्वारा औपचारिक रूप से प्रदूषित माना जाता था, तो ये ना अशरफ से नीचे ही माने जाते थे। मेरी बात समझ आ रही है, यानी कि इन्हें अशरफ के द्वारा रिचुअली पॉल्यूटेड माना जाता था, इसका मेरी बात समझ आ रही है, इसका मतलब ये अशरफ से नीचे थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे होते हैं ना ये जैसे बना रखी हैं, जो वर्ग बना रखे हैं, है ना, तो एक हो गया अशरफ, एक हो गया अजलफ और एक हो गया अजरल। अशरफ अजलफ अजरल, अशरफ इज अ अपर क्लासेस, अजलफ इज अ लोअर क्लासेस एंड अजरल इज अ अंडर क्लासेस। ठीक है, अजरल जो होते थे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते थे जिन्हें रिचुअली पॉल्यूटेड माना जाता था। बर्नी का जो फतवा है जहादारी है बेटा, वो प्रोवाइड करता है एक्सट्रीम व्यू रिलीजन पर, इसमें धर्म पर चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम किंग एंड हिंदू रूलर, इफ द मुस्लिम किंग इज कंटेंट इन कलेक्टिंग जजिया एंड खिराज फ्रॉम द हिंदूज, है ना। तो बर्नी का जो फतवा है जहादारी है वो बेटा धर्म पर अपने विचारों का उदाहरण प्रदान करता है, ये प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल किस पर, रिलीजन पर। और वो कहते हैं कि जो मुस्लिम राजा है और एक हिंदू राजा है उसके बीच कोई अंतर नहीं होता, है ना, यहाँ पर मुस्लिम किंग और हिंदू रूलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। इफ द मुस्लिम किंग इज कंटेंट इन कलेक्टिव जिजिया, तो उन्होंने बोला भाई मुस्लिम राजा को क्या करना चाहिए, आप लोगों को पता ही होगा एक पोल टैक्स हो गया और एक ट्रिब्यूट टैक्स हो गया, है ना, एक आप लोगों का पोल टैक्स हो गया, एक एक आपका जो है आप लोगों का ट्रिब्यूट टैक्स हो गया। तो इनके बारे में भी आप लोगों ने काफी पहले हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये जो थे वो बोलते हैं कि मुस्लिम किंग को क्या कलेक्ट करना चाहिए हिंदू से, जजिया कर और खिराज कर दोनों के दोनों की वसूली करनी चाहिए। कौन बोलते हैं, बर्नी बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, ऐसा बर्नी कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो इनका और चीजें हैं, तो बर्नी यहाँ पर अगर आप देखो तो वो रिकमेंड करते हैं कि मुस्लिम किंग शुड कंसंट्रेट ऑल हिज पावर ओनली होली वॉर्स एंड कम्प्लीटली अप्रूव द फॉल्स क्रीड्स, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि एक मुस्लिम राजा को कैसे होना चाहिए बेटा, एक मुस्लिम राजा को अपनी सारी शक्ति क्या करनी चाहिए, युद्धों पर केंद्रित करनी चाहिए, और जितने भी फॉल्स क्रीड्स हैं यानी जितने भी झूठे पंथ हैं उनको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो ये किसको रिकमेंड करते हैं, मुस्लिम किंग को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं बेटा कि मुस्लिम किंग को एस्टैब्लिश करना चाहिए, मुस्लिम किंग को सुपरमेसी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस्लाम की सुपरमेसी हो इंडिया में तो ये कैसे होगा, आपको स्लॉटरिंग करनी पड़ेगी ब्राह्मण्स की। और वो रिकमेंड करते हैं मुस्लिम किंग को कि भैया क्या करो, आप क्या करो, एक तरह से आप क्या कर सकते हो, वध कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो कहते हैं कि भैया अगर आपको एस्टैब्लिश करना है ना, अगर आप चाहते हो कि इस्लाम की सुपरमेसी स्थापित हो इंडिया में, तो वो कहते हैं कि भैया ब्राह्मणों का वध कर दो, ब्राह्मणों को मार दो,
ब्राह्मणों का वध करके, ब्राह्मणों को मार के, तभी आप क्या कर सकते हो, भारत में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित कर सकते हो। और वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि मुस्लिम जो किंग होना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, जितने भी काफिरे होते हैं आपको याद होगा है ना, जो काफिरे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उन काफिरों पर अधिकार कर लो, उन पर कब्जा जमा लो, गुलाम बना लो, और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा आप उनको क्या करोगे, उनको हमेशा नीचा दिखाओगे, डिग्रेड द इनफील्ड्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। एट द सेम टाइम जो ये बुक है वो ये क्लियर करती है कि जो किंग थे दिल्ली सल्तनत के, क्या वो भी ऐसी थे, क्या उनके भी सिमिलर व्यूज थे? तो नहीं बेटा, उनके ऐसे सिमिलर व्यूज नहीं थे। मेरी बात समझ आ रही है? बर्नी जो थे वो रियूज करते हैं, ऑनर्ड एंड फेवर्ड द हिंदूज एंड हैड ग्रांटेड देम द स्टेटस ऑफ धिम्मीज है ना, प्रोटेक्टेड पर्सन एंड मुस्लिम किंग अपॉइंटेड हिंदू टू हाई पोस्ट एंड इंक्लूडिंग गवर्नरशिप। तो ये ध्यान रखना, उन्होंने अपनी बुक में ये भी बताया है कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं यानी मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो वैसे सेम विचार नहीं रखते थे। बर्नी कहते हैं कि हिंदुओं का सम्मान किया उन्होंने, हिंदुओं का समर्थन किया उन्होंने, और मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं को उच्च पद पर भी नियुक्त किया था जिनमें शासन करना भी शामिल था। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि उच्च पद पर भी आसीन किया गया था हिंदुओं को, किसने, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने। उसके बाद बर्नी कहते हैं कि मुस्लिम किंग जो है, बर्नी ने क्या बोला, बर्नी कहते हैं कि मुस्लिम राजा को अपनी राजधानी में दिल्ली की हिंदू, वो कहते हैं कि बर्नी बोलते हैं कि जो मुस्लिम किंग्स थे ना वो बड़े ही प्रसन्न थे, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिंदू से, यानी कि जो हिंदुओं की समृद्धि देखकर वो काफी ज्यादा प्रसन्न थे। कौन राजा? मुस्लिम राजा। जब गरीब मुसलमान उनके लिए काम करते थे तो उनके दरवाजों पर भीख भी मांगते थे। बेटा ऐसा नहीं था कि हाँ भाई मुस्लिम रूलर था तो इसका मतलब मुस्लिम्स की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, नहीं ऐसा नहीं था। उस वक्त ये भी था कि वेन मुस्लिम वर्कड फॉर देम, इवन जो पुअर मुस्लिम्स थे वो भी उनके लिए काम करते थे, और काफी मुस्लिम्स तो वहां पर भीख भी मांगते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं तारीख फिरोजशाही की। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, फतवा एजादारी क्लियर? क्योंकि सारा के सारा फतवा एजादारी से रिलेटेड था, सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है वो फतवा एजादारी से रिलेटेड था, ठीक है। और मेरे लिए आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको बताना है, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फतवा ए जहांदारी में, थोड़ी राइटिंग अजीब सी आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप तो, ठीक है, ऊपर चंद्र बिंदु लगना है लेकिन लग नहीं रहा है, ठीक है। तो फतवा ए जहांदारी में बर्नी के लिए आदर्श शासक कौन है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी हैं, या फिर तैमूर हैं, या फिर नोटा। चलो आंसर करेंगे सारे बच्चे जल्दी से, बहुत बढ़िया। अभी फतवाए जहांदारी में आप लोगों को वैसे पढ़ाने वाली हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको आंसर करना है बेटा। चलिए आंसर करिए, फतवाए जहांदारी में बर्नी के लिए आदर्श शासक कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है क्या, मोहम्मद गजनवी है क्या, तैमूर है, या फिर नोटा।
जल्दी करो, आंसर करो फटाफट से, देखिए तो कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर करेगा। अरे वाह वेरी गुड, सच में अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को ही वो सच्चा बादशाह बोलते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखो, महमूद गजनवी को उन्होंने आदर्श शासक तथा सच्चा बादशाह बोला था, कि सच्चा बादशाह कौन है? महमूद गजनवी है सच्चा बादशाह, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, महमूद गजनवी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के लिए क्लैपिंग, वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया इसका, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? चलो अब चलते हैं फतवाए जहां तारीख फिरोजशाही पर, क्योंकि फतवाए जहादारी आप लोगों का हो गया ना, ये तो आप लोगों का हो गया। अब हम चलते हैं फतवाए जहादारी आप लोगों का हो गया, अब तारीख फिरोजशाही पर चलते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को और भी इनकी जो बुक्स है वो भी करवा दूंगी, ठीक है? सारी बुक्स यहाँ पर हैं। तारीख फिरोजशाही क्या है बेटा? मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कभी भी आपसे पूछे तो आप लोग बता दोगे, ये फिरोज शाह का इतिहास है, ये फिरोज शाह की हिस्ट्री है। सही बात है ना, ये फिरोज शाह की हिस्ट्री है। तो 1357 एक इंटरप्रिटेशन है, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत देन प्रेजेंट फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन फिरोज शाह तुगलक का इतिहास है इस बुक के अंदर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और इसी बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो बुक है वो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की गई थी। इस बुक के अंदर उन्होंने उल्लेख किया था, वो बताते हैं कि बर्नी के नियमों का पालन करने वाले सुल्तान हमेशा सफल रहे। उन्होंने क्या बताया इसके अंदर? सुल्तान के लिए उन्होंने बोला है, कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो वो कहते हैं, उन्होंने ये उल्लेख किया बेटा, वो ये इंटरप्रिटेशन नोट करते हैं कि सुल्तान हु फॉलो द रूल्स ऑफ बर्नी हमेशा वो सक्सेस रहा इन द एंडेवर्स, व्हाइल दोज दे डू नॉट, दोज हु हैड सिन इट मैट द नेमेसिस, यानी कि जिन्होंने उस चीजों का, मतलब देखो कहने का क्या मतलब है ध्यान से समझना। वो इस बुक में बोलते हैं कि जो मैंने नियम बताए ना, मेरे जो नियम है, मेरे नियमों का पालन करने वाले जितने भी सुल्तान रहे हैं, किंग रहे हैं, वो हमेशा अपने प्रयासों में सफल रहे, जबकि ऐसा नहीं करने वाले, पाप करने वाले लोग नेमेसिस से मिले। नेमेसिस का मतलब वो कभी भी सफल नहीं हुए। बर्नी एक अनुचित कथन है और आमतौर पर ये एक अविश्वसनीय स्रोत माना जाता है ना, बर्नी अनफेयर नरेटर बोला जाता है इसी वजह से, और जनरली कंसिडर्ड किया जाता है अनरिलायबल सोर्स, कि ये तो अनरिलायबल सोर्सेज हैं। तो ये ध्यान रखना, बर्नी जो है वो रिफर करते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, वो कई बार जो है बर्नी, एक तरह से बर्नी के कई बार सूचना के स्रोतों को संदर्भित करते हैं, ठीक है? और समकालीन कार्यों से परामर्श नहीं किया, तो इसी वजह से वो क्या हुए, वो बेसिकली वो हार गए, युद्धों को हारना पड़ा उन्हें। तो इस तरीके की भी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो वो कहते हैं कि बट थॉट बर्नी रेफर मैनी टाइम द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ही डिड नॉट कंसल्ट हिज कंटेम्पररी वर्क्स रिजल्टेड इन स्केची डिस्क्रिप्ट अलाउद्दीन खिलजी वॉर्स इन चित्तौड़, है ना, रणथंभौर, मालवा, डेक्कन कैंपेन, तो इनका भी वर्णन उन्होंने अपनी बुक के अंदर किया है। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो जो बाद के जो हिस्टोरियंस रहे हैं, जैसे कि निजामुद्दीन अहमद, बदोनी, फरिश्ता, इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो बेटा इन्होंने भी पता है क्या किया, इन लोगों ने, ये जितने भी इतिहासकार है ना, ये इतिहासकार तारीख फिरोजशाही को पढ़ते हैं, और तारीख फिरोजशाही को पढ़कर वो इसको सोर्स मानते हैं। किसका? इतिहास का, कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, उस हिस्ट्री ऑफ पीरियड को उस देखते हैं। और अब्दुल जो हक दहलवी हैं, अकबर उल अख्तियार डिपेंड है इन्हीं के, ठीक है? बायोग्राफी स्केचेस ऑफ निजामुद्दीन और ओलिया एंड सूफी संस, तो उन लोगों ने क्या किया, जो अपने अखबार उल आखिर, अब्दुल हुक दहलवी, निजामुद्दीन ओलिया और दूसरे सूफी संतों की जीवन रेखा चित्र के काम पर निर्भर थे, यानी कि उन्होंने बायोग्राफिकल स्केचेस भी लिखे हैं ना, तो इसी बुक को पढ़कर लिखे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि सोर्स के तौर पर यूज करते हैं इस बुक का। अब ये रही वो इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैं आपको बता रही थी, तो साना ए मोहम्मदी है, अलवात ए कबीर है, हसरत नामा है, तारीख ए बारा मकी है, इनायत नामा इल इलाही है, और मासिर सादत है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये किसकी हैं? ये हमारे बर्नी की हैं। किसकी हैं बेटा? जियाउद्दीन बर्नी की। मेरी बात समझ आ रही है? ये जियाउद्दीन बर्नी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आप इन्हें लिख लेना। ये जितनी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल, जहांदारी वाले का,
फतवाए जहादारी वाले का ईयर बेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो ये ना ये काफी पुराना इनका टाइम पीरियड है, काफी ज्यादा पुराना टाइम पीरियड है, तो इनकी कभी भी ना बुक्स का आप सोचोगे मैम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं, मेरी बात समझ आ रही है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो इस चीज की बिल्कुल आप सोचो मत। चलो अब देखो फतवा ए जहांदारी अगर आप देखोगे, अभी वही वाली दोबारा बुक आ गई, तो ये राजनीतिक आचार संहिता है जिसमें मुस्लिम शासकों विशेषकर दिल्ली के सुल्तानों का पक्ष प्रदर्शन किया गया है, पथ प्रदर्शन, समझ रहे हो मेरी बात, यानी फतवा ए जहांदारी एक पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इसका पर्पस है क्या करना, शो करना, मुस्लिम रूलर्स को बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ग्रंथ क्या करता है बेटा, ये राजनीतिक उद्देश्यों की व्याख्या करता है, बोलो इसमें क्या ये ग्रंथ के अंदर राजनीतिक उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, बिल्कुल की गई है, ठीक है, और साथ ही दिल्ली सल्तनत के चरित्र को समझने में भी सहायक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद और अगर हम बात करें, 2 मिनट रुकना, देखो बेटा अगर आपको कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर लिखना चाहता है कमेंट, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तभी आप कमेंट लिख पाओगे यहाँ पर। अगर आप भी दूसरे बच्चों की तरफ इस चैट में लिखना चाहते हो ना, तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद लिख सकते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। फतवा ए जहांदारी क्या है, इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को बताया गया है, बिल्कुल, और दिल्ली सल्तनत के चरित्र को समझने में प्रयास करता है, ये हमारी मदद करता है, बिल्कुल, इसमें एक्सप्लेन किया गया है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को, और ये अंडरस्टैंड करता है दिल्ली सल्तनत के करेक्टर्स को। इसके बाद देखो बर्नी की क्या मान्यता थी, बर्नी यही जो मैं बतानी थी, एरिस्टोटल वाला बोलते हैं वो, हाँ एरिस्टोटल वाला, वो क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। बर्नी जो है वो इस यूनानी मान्यता को बड़ी आसानी से स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग श्रेष्ठ हैं और शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ निम्न हैं जो शासित होने योग्य होते हैं, मेरी बात समझ आ रही है, और ये किसने बोला था, ये बोला था एरिस्टोटल ने, बोलते हैं एरिस्टोटल, वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं और शासन करने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ निम्न होते हैं जो शासित होने योग्य होते हैं, सही बात है ना, जो शासन शासित होने के लिए पैदा होते हैं, तो ये ध्यान रखना। वह सुल्तान मोहम्मद तुगलक का बड़ा विश्वास पात्र था, 17 साल 3 महीने तक वह दरबार में रहा था, कौन बेटा, किसकी बात हो रही है, बर्नी की। बर्नी को जो आदर सम्मान प्राप्त था वह ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद उन्हें कभी मिला, और सुल्तान ने उसे बहुत ज्यादा धन संपत्ति प्रदान करते थे और उन पर विशेष कृपा दृष्टि भी रखते थे, कौन, हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बेसिकली, तो वो इनके साथ जो रहे 17 साल 3 महीने बर्नी इनके साथ रहे हैं, और इन्होंने बेसिकली काफी ज्यादा वेल्थ दिया, पैसा दिया, और बड़ी ही इन पर एक तरह से कृपा दृष्टि भी रखते थे, मतलब स्पेशल काइंडनेस रखते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद क्या हुआ बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बर्नी से शाही पद भी छीन ली गई, फिरोज तुगलक ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया और उन्हें क्या करा, जेल में डाल दिया, जेल में, है ना, और हालांकि उन्हें रिहा के करने कर दिया गया, लेकिन बाद में उनकी संपत्ति उन्हें वापस कभी भी नहीं की गई, जो उनसे प्रॉपर्टी उनकी छीनी गई थी ना, वो उन्हें कभी रिटर्न नहीं की गई, तो ये ध्यान रखना। तो डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है, फिर रॉयल स्टेटस ले लिया जाता है बर्नी से, और फिरोज तुगलक ने उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, और साथ ही साथ बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया, बाद में जेल में डाल दिया गया, फिर रिलीज कर दिया गया, बट प्रॉपर्टी उनकी कभी नहीं वापस की। तो जो फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक के 6 सालों का जो पूरा उन्होंने लिखा है वो किसमें लिखा है, तारीख ए फिरोजशाही में लिखा है, लिखा है ना, मतलब 6 वर्ष के राज्य का इतिहास तारीख ए फिरोजशाही में किया गया है। इनकी रचना इतना परिश्रम किया, लेकिन अमीरों के षड्यंत्र के कारण कभी ये दरबार में प्रस्तुत हो पाई, कभी भी नहीं हो पाई, कभी भी नहीं, और फिरोज शाह के प्रशंसा में अपनी लेखनी में संपूर्ण शक्ति उन्होंने समाप्त कर दी थी, मेरी बात समझ आ रही है, उन्हें बड़ी होप थी कि कभी ना कभी देखना फिरोज शाह तुगलक मेरी तरफ देखेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या लिखा है तुमने, कितना अच्छा लिखा है मेरे बारे में आपने, ठीक है, तो मुझे रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है, मेरी जो ये मैं इतनी गरीबी में जी रहा हूँ, मैं दोबारा से वैसे ही हो जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन बहुत उन्होंने कोशिश की, पूरी शक्ति लगा दी अपनी उन्होंने, लेकिन कभी भी उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो पाया, बेचारे गरीबी में ही खत्म हो गए, गरीबी में ही उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, ध्यान रखना। सो ये ध्यान रखिएगा। बर्नी के राजनीतिक सिद्धांतों की बात कर लेते हैं, तो बर्नी की जो राजनीतिक सिद्धांत है बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बर्नी जो थे वो बेसिकली एक राजनीतिक सिद्धांत के तीन लक्ष्य बताते हैं। तो वो कहते हैं कि साम्राज्य के संगठन को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। अगर आप मान लो कहीं पर आप क्या कर रहे हो, आपका रूल है कहीं पर, तो आपको उसे मजबूत बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। राजनीतिक शक्ति को जनहित में कैसे लाया जाए, यानी कि जो भी आप पावर कर रहे हो वो लोगों के इंटरेस्ट में कैसे यूज करोगे। और राग शक्ति को वैधता और लोकप्रियता कैसे दी जाए। भाई ऐ देखो, आज अगर आप देखो तो आज जो चीजें हैं, आज आप देखोगे इंडिया जो है वो काफी मतलब बाकी कंट्रीज से तो काफी मतलब अच्छा मतलब एक तरह से कर रहा है ना। आप लोगों को, आप लोगों ने देखा भी होगा, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इमरान सर प्लीज आइए, आप कुछ भेजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से जल्दी से निकालिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वहां पर एक तरह से उनसे गुहार लगाई जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडिया के भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने सीधे ही जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने सीधे ही पुतिन से बात की है कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको किसी ना किसी तरह से जल्दी से निकालना है। जैसे पोलैंड के रास्ते की तरफ से भी हो सकते, मतलब पहले चल रहा था कि पोलैंड की तरफ से हम अपने वहां भिजवा देंगे हवाई जहाज, फिर वहां से लोग आ जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ से रशिया की तरफ से भी बोल रहे हैं कि रशिया तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुतिन ने किया है ये चीज। तो बर्नी पॉलिटिकल थ्योरी में वो थ्री प्रिंसिपल्स बताते हैं। तो वो कहते हैं कि कैसे आप एक एम्पायर को स्ट्रांग बनाओगे, कैसे आप नेशनल इंटरेस्ट जो आपकी पावर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करोगे, कैसे आप गेन करोगे लेजिस्टिमेसी और पॉपुलरिटी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बेसिकली बादशाह को वो क्या क्या उपदेश देते हैं, मेरी बात समझ आ रही है बेटा। ये देखो इधर कोई भी मतलब ये कोई भी पॉइंट नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरा एक ये है कि बादशाह को उन्होंने क्या क्या बताया था, वो क्या कहते हैं कि बादशाह को क्या क्या करना चाहिए। तो बताओ, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, बादशाह के समय का मूल्य होना चाहिए, बादशाह वजीर हितेशी यानी कि उन्हें कोई भी काम करना चाहिए तो अपने वजीर और हितेशी से पूछकर करना चाहिए, उचित और दृढ़ संकल्प शक्ति उनमें होनी चाहिए, बादशाह न्याय पसंद होना चाहिए यानी अगर मान लो किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ न्याय करना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना, ये जो प्रीचिंग्स है ना किंग की, तो ये बताई गई है किसने, ये बर्नी बताते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए रिलीजन को। और किंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीसियस होता है, उनको जो काम अपना टाइम जो है वो बेसिकली युद्धों को जीतने में लगाना चाहिए और लोगों के कल्याण में लगाना चाहिए। और कोई भी अगर वो डिसीजन लेते हैं तो वजीर और हितेशी के उसमें लें, है ना, फेयर और डिटरमाइंड पावर होनी चाहिए और किंग को जस्टिस पसंद होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। इस्लाम का सम्मान स्थापित करना, ठीक है, इस्लाम का सम्मान करना हो करते हो और पूरे संसार में वो इस्लाम का सम्मान स्थापित करवाएं। अपराध और दंड संबंधी परामर्श भी वो देते हैं। वो पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर मान लो जो एक एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, ठीक है, अगर मुस्लिम जो है, अगर हिंदू ने क्या किया, हिंदू ने मान लो चोरी की है ना, और मुस्लिम ने भी चोरी की, तो वो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि ना मुस्लिम को उतनी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए जितनी कड़ी सजा हिंदू को देनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बेसिकली मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जियाउद्दीन बरनी बोलते हैं। तो ये जियाउद्दीन बरनी ने बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो, तीन चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, शरीयत नाम सुना होगा आप लोगों ने, शरीयत मतलब आप लोगों को पता ही होगा ये लॉज होते हैं, है ना। शरीयत क्या है, इस्लामी कानून बोलते हैं हम शरीयत को। तो शरीयत के अंदर ना, शरीयत को भी बेटा तीन तीन भाग में बांटा गया है। लिखवा दूं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्योंकि ये आपकी नॉलेज ही बिल्ड करेगा, ठीक है। शरीयत का लिख लो एक बार, शरीयत जो होता है ये क्या है बेटा, शरीयत अगर आप देखो तो इसे इस्लामी कानून कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये इस्लामी कानून है। और इसके अंदर पता तीन चीजें होती हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं और ये तीन चीजें बहुत मतलब कम बच्चों को पता होंगी। शरीयत के अंदर आती है इबादत, इबादत वर्ड आपने सुना होगा। दूसरा वर्ड आता है मुआमलत, मुआ मलात, और तीसरा वर्ड आता है और वो आता है उकूबत, उकूबात, ठीक है। तो इसमें क्या है, इबादत, इबादत तो आप समझ ही गए होगे, ईश्वर की भक्ति करना है ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता था, सिविल लॉज, यानी कि इसका मतलब है दीवानी कानून, है ना, और इसका मतलब क्रिमिनल लॉज। उकूबत में क्या था बेटा, इसमें क्रिमिनल लॉज शामिल थे, आपराधिक कानून और दीवानी कानून आपने पढ़े होंगे, है ना, दीवानी कानून और आपराधिक कानून, तो वो आपराधिक वाले हो गए, ये दीवानी कानून हो गए, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है सबको, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे।
तो इतना आप लोगों को आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो विपत्ति के समय बादशाह को क्या करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, है ना, अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, सेना बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, राज्य के कुछ नियम रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस्टेब्लिश करे रिस्पेक्ट इस्लाम की पूरे वर्ल्ड में, ऑफेंस रिलेटेड क्राइम्स एंड पनिशमेंट बताते हैं, किन को क्या नहीं करना चाहिए, किन को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए फालतू चीजों में। ठीक है, और साथ ही साथ जो किंग है, किंग को अगर आप देखोगे तो किंग को क्या करना चाहिए, अपनी आर्मी को स्ट्रांग करना चाहिए, उसकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं, वो बेसिकली ये बोलते हैं कि स्टेट रूल्स हमारे जो हम उनको अपने खुद के कुछ रूल रेगुलेशंस भी बनाने चाहिए, बाजार व्यवस्था की बात करते हैं, बादशाह को राजकोष पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, कार्यों का मापदंड के बारे में बात की गई है, बादशाह को आदेश के पालन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, धार्मिक पदों पर नियुक्ति सावधानी पूर्वक होनी चाहिए, बादशाह के आवश्यक गुण विरोधी गुणों की प्रधानता, ये सारी चीजें वो बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बरनी जो है वो बिल्कुल ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। काफिरों के लिए वो कहते हैं कि कब्जा कर लो उन पर, कहते हैं वो काफिरों पर कब्जा कर लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बर्नी को प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की जानकारी थी, पर उन्हें कुरान के प्रति आस्था थी, है ना, तो ये ध्यान रखना। और वो विवेकवाद पर भी प्रति घृणा करते थे, जो पैगंबर हैं उनकी परंपराएं पर वो काफी अच्छा बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। और उन्होंने आर्ट ऑफ गवर्नमेंट पर बोला है, स्टेट क्राफ्ट पर बोला है बर्नी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पता है जैसे लास्ट में एक आया है विरोधी गुणों की प्रधानता, इस वर्ड का क्या मतलब है, मतलब वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्रोध, ऐश्वर्य, दया, कठोरता, नम्रता, है ना, विनम्रता के साथ साथ होनी चाहिए। मतलब जिस जैसे आप अगर मान लो आपके अंदर कृपा है तो आपके अंदर क्रोध भी होना चाहिए, एक राजा के अंदर अगर किसी के अंदर ऐश्वर्य है तो उसके अंदर दया भी होनी चाहिए, अगर वो बहुत कठोर है तो वो नरम भी होना चाहिए, तो ऐसा राजा होना चाहिए जिसके अंदर वो दोनों दोनों चीजें आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है, जिसके अंदर वो दोनों चीजें आएंगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो ये आप लोगों का खत्म होता है जियाउद्दीन बरनी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि सबको समझ आया, एक बार बताएंगे सारे बच्चे, सबको क्लियर हुआ, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो पढ़ लेना यहाँ से। वैशाली बेटा, मैंने अनअकैडमी छोड़ दी है। ठीक है, मैं माँ बाप अनअकैडमी पर, हाँ मैंने अनअकैडमी छोड़ दी है। चलो चलो ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एक बार जल्दी से बताओ सारे बच्चे, आप लोग मुझे हर्ट्स या फिर थम्स अप भी भेज सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम कितने बजे मिलेंगे, अब हम मिलेंगे 4 बजे। ठीक है, और रात वाला जो सरप्राइज है ना आपका, प्लीज मिस मत करना उस सरप्राइज को। ठीक है, वो बहुत अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, और अगर आप मिस करते हो तो फिर आपका ही आपका नुकसान है, सच बता रही हूँ, आपको मजा भी आएगा आज खूब। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज करेंगे मैम क्या? हाँ बिल्कुल, मैं करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन रात में जो आप लोगों के लिए सरप्राइज है वो सरप्राइज है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।